हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी स्वागत करती हूँ इस मेरी वीडियो में। और आप सबको शुभ जन्माष्टमी। और आप सब देख रही है मेरे घर की पूजा है, जन्माष्टमी के घर की पूजा है, सब तैयारी हो चुकी है। तो इसके ऊपर मैं अभी वीडियो सब दिखाने वाली हूँ, तो आप सब देखते रहिए लव यू लाइफ 63। तो इस जन्माष्टमी की तैयारी हम लोग, मैं और मेरी फैमिली, बहुत दिन पहले से शुरू कर दिए थे। घर के साफ सफाई रेडी करना, सजावट, सब कुछ शुरू कर दिए थे। मेरी घर की साफ सफाई और घर सजावट, ये सारा कुछ काम हम लोग दिवाली या दुर्गा पूजा में नहीं करते, लेकिन जन्माष्टमी सब कुछ हो जाते हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये तारपीन का ऑयल है, हार्डवेयर के स्टोर में मिलते हैं। और इसी से अगर कार्टन का रॉड सफाई करेंगे तो ये बहुत शाइन देते हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, ये है दो बॉक्स, पुराने, बहुत पुराने बॉक्स, लेकिन मुझे पता नहीं है कितने पुराने बॉक्स है। बोलिए तो इसके अंदर क्या रखे हैं हम लोग? गेस व्हाट, क्या रखे हैं हम लोग? बहुत ही कीमती चीज है। इतने सारे बर्तन जो आप लोग देख रहे हैं, ये है तांबे का, और कासा भी है और पीतल भी है, सब कुछ है, स्टील भी है, सब कुछ मिक्स है। तो हम लोग ये साल में दो बार निकाल लेते हैं पूजा के लिए, एक तो जन्माष्टमी है और एक दिवाली है। तो दिवाली के बाद हम लोग सब सारा कुछ डालेंगे बॉक्स के अंदर। ये देखिए, ये है नया टेबल क्लॉथ। इस साल ये थोड़ा ब्राइट कलर लेके आए, ताकि ये जो डाइनिंग है, डाइनिंग एरिया थोड़ा ब्राइट लगे दिखने में।
बिस्तर के चादर भी नया ही है। तो जन्माष्टमी के टाइम में मेरी जो फैमिली, जो रिलेटिव्स है, जो रिलेटिव्स कुछ लोग आने वाले हैं, तो इसीलिए घर को सजाना भी बहुत ज़रूरी है। बस अभी तक थोड़ा बहुत सजा लिए घर को, तो अभी मेन चीज़ अभी बाकी है, बहुत सारे काम अभी बाकी है। तो चलिए अभी दूसरे कुछ दिखाते हैं। तो पूजा के एक दिन पहले हम लोग ना वो ताल के जो पकोड़े होते हैं और जो नारियल के नाड़ू भी बोलते हैं उसको, नाड़ू वो बना लेते हैं एक दिन पहले ही। तो ये देखिए कैसे बनाते हैं। तो इसको पहले घिसते हैं, ताल को पहले घिसते हैं, तो उसका जो कथ निकलते हैं उसके साथ ये नारियल, फिर उसके अंदर मैदा और जो शुगर, हाँ वो सब, और सूजी भी है इसके अंदर, सूजी भी है, ये सारा कुछ मिला के फिर पकोड़े बनाएंगे। ये देखिए इसका ये पकोड़ा, ये ऐसे दिखते हैं, छोटा छोटा, बहुत छोटे छोटे जैसा दिखते हैं। ये देखिए अभी नारियल को घिस घिस के नारियल को निकल रही है अंदर से, फिर उसके बाद इसको पका के, थोड़ा पका के उसके लड्डू बनाएंगे जिसको नाड़ू भी बोलते हैं। तो ये देखिए मेरे किचन में कौन है मेरे साथ, ये है मेरी भैया जो इस पूजा के लिए आए हैं। कुछ रिलेटिव्स पूजा के एक दिन पहले ही आ गए थे, इसीलिए जितने भी काम थे तो सब मिलके किए थे। तो उसके बाद सारा फैमिली मिल बैठ के नारियल के लड्डू, जो नारू कहते हैं, वो बना रहे हैं गोल गोल करके। अगले दिन पूजा के दिन ये देखिए भोग चढ़ा रही है मेरी बेटी गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को। और ये शाम को मैं बिजी हो गई थी खीर बनाने में, खीर, फिर छोले का जो दाल है, पूरी और चावल के पुलाव भी बने थे, के साथ साथ आलू के सब्जी भी थे। ये देखिए मेरे घर में कितने सारे मेहमान आ चुके हैं, सब देख रहे हैं मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए मेरे भांजा भांजी, मेरे भैया, मेरी बड़ी वाली ननद भी आए थे उसके साथ, उसके फ्रेंड भी आए थे, बेस्ट फ्रेंड भी आए थे, तो पूरा भरा हुआ था मेरे घर।
मैं अभी छोले का दाल पका रही हूँ नारियल के टुकड़े देकर। ये देखिए उसके अंदर मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। पूजा के लिए जो प्रसाद मैं बना रही हूँ इसमें देखिए कितने जन मुझे हेल्प कर रही है। ये देखिए मेरी बेटी, मेरी ननद, बड़ी ननद और उसकी बेटी लाडो है, उसके नाम है लाडो। है ना कितनी प्यारी लाडो। के दिन उस दिन बहुत लेट नाइट करके बहुत रात तक पंडित जी आए थे, करीबन 11 बजे पंडित जी आए थे पूजा के लिए। तो कोई बात नहीं, ऐसे जन्माष्टमी तो रात में ही होते हैं। पूजा के लास्ट में एकदम देखिए पंडित जी से हम लोग एक एक करके धागे भी बांधे, पवित्र धागे जो बस। उसके बाद सब मिलके बहुत रात को करीबन 1 बजे सब मिलके डिनर भी कंप्लीट किए धीरे धीरे। ये डिनर मेरी बेटी परोस रही थी और वीडियो भी मेरी बेटी ही उठा रही थी। दोस्तों कैसी लगी मेरी घर की पूजा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिए। और देखिए, देखते रहिए मेरी वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। टाटा, बाय बाय, सी यू।